बीजेपी इतना रोष इतना दुख निरंतर मोदी मन में है, हर आदमी इतना परेशान है। आज की जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने सोनी सोनी गरीब आदमी का रोड बनाने खड़ा कर दिया है। गरीब आदमी की आंखें हैं ये भाजपा हमेशा गरीब आदमियों का नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी कि इंडिया में सिर्फ 2% लोग कैशलेस इकोनॉमी कर सकते, 98% लोग जिसमें मिडिल क्लास गरीब लोग हैं, तो 98% लोग इससे मुतासर हो जाएंगे। मिडिल क्लास के लोग, डेली वेज अर्नर्स, जो प्लम्बर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं। तीसरी बात यह है कि 20 करोड़ जो लोग रूरल एरियाज में रहते वो सफर होने होंगे, इसलिए कि वहां पर ये सब अकाउंट नहीं है उनके पास। उनके पास काम करते पैसा लेके तक लेते, अब वो लोग बड़ी मुश्किल में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि 2000 रुपए का नोट निकालेंगे और 500 का नया नोट निकालेंगे, तो फिर ये 500 का ये खत्म करके और एक 500 2000 क्यों निकालेंगे आप? 2000 की जरूरत ही क्या है? जो 2000 करोड़ आप निकालेंगे तो क्या उससे इजाफा नहीं होगा क्या? और फिर गवर्नमेंट ये बोली कि उसमें एक ट्रैकर सिस्टम रहेगा, नैनो ट्रैकर सिस्टम, वो दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ कि उसका कोई यूटिलिटी नहीं है, ये गैर जरूरी के टैक्सपेयर का वेस्टेज है मनी का। और अहम बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, जो मेरे को याद नहीं आ रही, पर डेफिनेटली टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, कल प्राइम मिनिस्टर ये बोले कि FICN आता फेक इंडियन करेंसी नोट, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में एनआईए का एनआईए को रिपोर्ट 400 करोड़ और आरबीआई का पूरा जो पैसा इंडिया में है वो 16 लाख करोड़ है। तो 400 करोड़ क्या होता है? 0.025%। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 0.25% के लिए प्राइम मिनिस्टर क्यों इसका हवाला दे रहे थे कि FICN है फेक इंडियन करेंसी नोट। फेक इंडियन करेंसी तो हमारा बॉर्डर को स्ट्रांग करो, आप जहां से ये पैसा आता है वहां पर आप पूरी तवानी लगाइए। हम जब ये गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हम जो हिंदुस्तान से कैटल स्मगल होता था उसको हम कम कर दिए, तो पैसा क्यों नहीं रोक सक रहे थे? और खुद एनआईए का एस्टीमेट है कि FICN 400 करोड़ रुपए है और वो 0.025% है। तो ये समझ में नहीं आ रहा इतने, और इससे ये जो स्टेप गवर्नमेंट ली इससे बहुत ज्यादा, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, मिडिल क्लास गरीब लोगों को, डेली वेज अर्नर्स को जो कैश लेकर काम करते हैं, और जो रूरल
एरिया में जो 20 करोड़ हिंदुस्तानी है उनको बड़ा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।